दोस्तों, मैं लक्की और मैं हूँ सर्वेश मिश्रा। आज आपको लेकर आए हैं एशिया के नंबर वन एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में यहाँ का सबसे सुंदर प्रोजेक्ट हरित सिटी पे। तो इस प्रोजेक्ट की आज आपको पूरी डिटेल दिखाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर के चलते हैं हम हरित सिटी की हर एक एमिनिटी आप तक पहुंचाने। यहाँ पे आपकी सर्च खत्म होती है। तो दोस्तों बिल्कुल, यहाँ पर आपकी तलाश खत्म होती है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बोलता है। क्या आप भी ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप भी जमीन पर रहकर आसमान छूना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपको परसेंटेज में नहीं मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न दे? बहुत ही कम लोग जानते हैं गोल्ड एफडी देती है आपको लिमिटेड रिटर्न्स, जमीन यानी लैंड ही आपको देती है जनरेशनल रिटर्न्स। बात करते हैं भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की नंबर वन लोकेशन की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलती है भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। और जैसे कि आपको पता है कि अगर बॉम्बे हिंदुस्तान की नंबर वन फाइनेंशियल हब है तो सिर्फ फिल्म सिटी की वजह से है, और यहाँ पे फिल्म सिटी बॉम्बे से भी बड़ी बन रही है। तो सोचिएगा आने वाले टाइम में ये लोकेशन क्या होने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर में इतना डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा। आज भी बहुत सारे लोग पछताते हैं कि काश मैंने गुड़गांव, नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज मैं भी करोड़ों में खेल रहा होता। तो दोस्तों परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए आज फिर बहुत अच्छा मौका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में इन्वेस्टमेंट करने का। और प्रोजेक्ट की अगर बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बराबर में है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट साथ में फुल्ली डेवलप हो तो क्या ही बात है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हरित सिटी की। हम हैं हरित सिटी के ऊपर जो कि हरित पार्टी का प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। 95 एकड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, जब आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। कंपनी ट्रस्टेड हो, जो वादे आपसे किए जा रहे हैं वो टाइमली पूरे हो, और दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो जमीन आपको नक्शे पर दिखाई जा रही है वो कंपनी के पास है भी या नहीं है। दोस्तों अगर एमिनिटीज की बात करें, एमिनिटीज यहाँ पे बहुत ही भर भर गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा गोल्फ पार्क आ रहा है जो कि इस इलाके में किसी के पास नहीं है। 1 एकड़ का गोल्फ पार्क मिलता है आपको, उसके साथ साथ आपको 5 पार्क मिलते हैं 2000 गज के, इस तरह के पार्क आपको मिलते हैं लगभग 2000 गज के बड़े बड़े पार्क। साथ ही साथ यहाँ का जो मंदिर है वो आपको 400 स्क्वायर यार्ड का देखने को मिलता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सोसाइटी के अंदर ही मिलता है आपके बच्चों के लिए स्कूल। इसका जो प्रांगण का स्पेस है वो भी आपको काफी बड़ा देखने को मिलता है। अगर आपको छोटा मोटा प्रोग्राम करवाना है, भंडारा करवाना है तो इजिली आप करवा पाएंगे। और इस तरह मिलती है आपको यहाँ पे सेंटर मार्केट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सेंटर मार्केट है, और ये जो स्पेस देख रहे हैं ये प्रॉपर आप लोगों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए है। यहाँ पे सेंटर मार्केट ऐसा नहीं है कि रोड पे दुकानें बना दी हैं, क्योंकि कल सोसाइटी बड़ी सोसाइटी होगी, बड़ी टाउनशिप है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, भीड़ रोड पे ना आए, तो इसलिए ये पार्किंग का एरिया है पूरा। और इससे से प्रॉपर आपको पूरी गेट शटर और लेंटर के साथ में टाइल पत्थर पूरी फिनिशिंग के साथ में दुकानें मिलेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैक साइड में आपको क्लब हाउस ऑलरेडी तैयार हो चुका है। दोस्तों रोड मिलते हैं आपको इस तरह से चौड़े चौड़े रोड, और यहाँ पे रोड चौड़े नहीं मोटे भी मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा एक बार, ये देखिएगा, ये मेरा हाथ पूरा हाथ चला गया, लगभग 6-7 इंच मोटे रोड यहाँ पे आपको मिलते हैं RCC के। यहाँ पर आपको गोल्फ पार्क देखने को मिलता है जो कि 1 एकड़ का है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी एमिनिटीज है जो कि आपको काफी अट्रैक्ट करेगी। जब हम गेटेड टाउनशिप की बात करते हैं तो गेटेड टाउनशिप सिर्फ गेट लगाने से या बाउंड्री करने से गेटेड टाउनशिप नहीं हो जाती। दोस्तों गेटेड टाउनशिप में प्रॉपर आपको इस तरह से गेट चाहिए होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कम्युनिटी सेंटर। गेटेड टाउनशिप में प्रॉपर ऐसे जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के चारों तरफ बराबर बराबर पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे सर्विस रोड होता है, यानी पूरा प्रोजेक्ट आपका अगर आप एक गेट से एंट्री किए पूरे प्रोजेक्ट के चारों तरफ घूम के आ सकते हैं। चारों तरफ सर्विस रोड यहाँ पे होता है, जहाँ पर आपको 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 400 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट देखने को मिलते हैं। बरोबर यहाँ पर CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, सारी चीजें 24 अवेलेबल रहती हैं। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के पास में सबसे बड़ी सोसाइटी हरित सिटी। बिजली पानी सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर तैयार मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इतने सुंदर और भरोसेमंद प्रोजेक्ट में तो आप लोगों का स्वागत है हरित सिटी में। यहाँ पे सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट मिलती है, बिजली मिलती है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है ऑफिस के ऊपर। इतना सुंदर प्रोजेक्ट होने के बावजूद अगर हम यहाँ पर बात करें रेट की, तो
तो रेट भी यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल है। इतना सुंदर और इतना लीगल प्रोजेक्ट होने के बावजूद सिर्फ 21,000 से 26,000 रुपए तक के रेट आपको यहाँ पे मिलते हैं, यानी 21,000 रुपए गज से 26,000 रुपए गज के। प्लॉट साइज 100 गज से 400 गज मिलता है, रोड साइज आपको 25 फीट से 52 फीट मिलते हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को एक हाई रिटर्न्स की तरफ लेके जाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 तक ये रेट है। 1 जनवरी 2025 से इस प्रोजेक्ट के रेट 32,000 रुपए गज तक होने वाले हैं। तो आप लोग अपने 100 गज के इन्वेस्टमेंट में बचा सकते हैं 7 से 8 लाख रुपया। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, साइट विजिट आपको पूरी दिल्ली एनसीआर से फ्री मिलती है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। और दोस्तों जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 31 दिसंबर 2024 तक ही ये रेट आपको मिलने वाले हैं 21,000 से 25,000। बाकी आपको 1 जनवरी 2025 से रेट यहाँ पे होने जा रहे हैं 32,000।